तो ये गुजरात की तस्वीर है, वडोदरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर जो मगरमच्छ है वो रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचे हैं, घरों में भी मगरमच्छ जा घुसे हैं और इसलिए लोग दहशत में हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो आधे से ज्यादा जो हिंदुस्तान है वो बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहा है, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, तो कई जगहों पर मौत की जानकारी भी मिल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हैं। कहीं सड़क पर नाव चल रही है तो कहीं रिहायशी इलाकों तक जंगली जानवर पहुंच गए। मौसम की सबसे बड़ी मार गुजरात में देखने को मिल रही है। गुजरात के ज्यादातर शहर या तो जलमग्न है या तो बाढ़ के बाद वहां राहत बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। चाहे पोरबंदर हो, द्वारका हो, कच्छ हो या फिर वडोदरा या फिर सूरत, सभी जगहों पर बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। गुजरात में बाढ़ के बाद हालात किस कदर बेकाबू हो चले हैं कि रेस्क्यू और राहत बचाव पर खुद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी नजर बनाए हुए हैं। सांघवी न सिर्फ अधिकारियों के संपर्क में है बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की समस्या जान रहे हैं और जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। पूरा जायजा लिया गया है, खासतौर पे जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को भी मिले हैं, उनकी जो मुश्किलात थी, उनको क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ और उसको कैसे आने वाले पर भी हालात कुछ ऐसे ही दिनों में खासतौर पे क्या कर सकते हैं, उस पर भी बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। जिस प्रकार से वडोदरा महानगर पालिका की पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से रात दिन काम कर रही है, मैंने उनका पूरे शहर एवं राज्य की ओर से दो हाथ जोड़ के वंदन करके उनका आभार माना है। गुजरात में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई कि नजर जहां जहां जा रही है या तो पानी है या फिर पानी के वापस जाने के बाद तबाही। पोरबंदर के घरों में पानी घुस चुका है, लोग अपने जरूरी सामानों को या तो घर से निकाल चुके हैं या फिर सामान छोड़कर जान बचाकर निकल चुके हैं। जो बचा है वो अपना अपना दुख बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि पोरबंदर में हालात में जल सुधार होता नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में अगर और बारिश होती है तो स्थिति खराब हो सकती है। भादर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, शहर में भी बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुजरात के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी हालात बेकाबू हैं, यहाँ भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड के चलते लगातार पहाड़ों के दरकने की खबरें सामने आ रही हैं। बीती रात घरों पर पहाड़ गिरने से चार लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गुंटूर में बाढ़ में कार सवार तीन लोग बह गए। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो कहीं पानी उतर चुका है, लेकिन बर्बादी और तबाही का निशान पीछे छूट गया है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन घाट अभी भी जलमग्न है। अस्सी घाट हो या फिर हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट, सभी बाढ़ की जद में है। गंगा आरती के लिए घाटों से कुछ दूरी पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। भले अगस्त का महीना खत्म हो चुका हो, लेकिन मौसम विभाग ने चेता दिया है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर महीने के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है वो और भी डराने वाला है। इसके मुताबिक सितंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटे इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बाढ़ और बारिश ने करीब आधे हिंदुस्तान को अपने जद में ले रखा है। कहीं पानी के वापस लौटने के बाद तबाही का मंजर है तो कहीं बाढ़ के दौरान रेस्क्यू जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या आने वाले समय में स्थितियां इन जगहों पर बेहतर हो सकती हैं? तो मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगस्त के बाद सितंबर में भी अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, यानी सावन के बाद अभी भी कई जगहों पर कई राज्यों में स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अभी भारी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ये आपको बता दूं। ये जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी दी गई है।
हिमाचल प्रदेश में जब से मॉनसून आया है तब से लगातार कुछ यही स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। और गुजरात की तस्वीर आपको दिखाई रहे हैं, पोरबंदर से लेकर अलग अलग जगहों की सूरत तक कि अभी भी अलर्ट वहां पर जारी है। महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में मॉनसून की शुरुआत में ही भारी बारिश शुरू हो जाती है, मुंबई, अमरावती, अलग अलग जगहों पर, और अभी भी सितंबर के महीने में भी यही स्थिति रहेगी। राजस्थान, जिसे देश का सूखा राज्य कहा जाता है, वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी अभी सितंबर के महीने में भी जारी की गई आने वाले दिनों में। और मध्य प्रदेश में भी, जो देश का दिल, मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल मिड में स्थित है मध्य प्रदेश, वहां पर भी अभी भारी बारिश के हालात बने रहेंगे, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है। तो यह स्थिति है देश भर के कुछ राज्यों में जहां पर अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया, आपको घरों में रहना है, जरूरी है तभी घरों से बाहर निकले, यह स्थिति है। और चलिए अब जल्दी से आपको गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें दिखा देते हैं। वो तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, क्योंकि वहां पर जो विश्वामित्री नदी है उसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है, लेकिन अब बारिश की वजह से पानी के साथ बहते हुए जो मगरमच्छ आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ये मगरमच्छ नदियों से पानी के जरिए निकलकर अब सीधे रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों तक जा घुसे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मगरमच्छ जो अमूमन नदियों में रहते हैं लेकिन अब ये रिहायशी इलाकों में बेखौफ होकर घूम रहे हैं, लोगों के घरों तक भी जा रहे हैं। बारिश की वजह से असल में नदी में बाढ़ आ गई है, नदी के पानी के साथ बहते हुए मगरमच्छ भी अब शहरों तक जा पहुंचे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में मगरमच्छ निकलने और उसके रेस्क्यू की तस्वीरें भी आम हो गई हैं। रेस्क्यू की तस्वीर भी हम आपको इससे पहले दिखा रहे थे, लेकिन ये देखिए एक के बाद एक ये जो मगरमच्छ हैं जो नदी में रहते हैं, लेकिन अब नदी में बाढ़ आने से, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये रुक कर रहे हैं रिहायशी इलाकों का, लोग खौफ में हैं। तो वही वन विभाग इन मगरमच्छों का रेस्क्यू कर लगातार यहां से निकाल रहा है। और तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से यहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, ट्रैफिक में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पानी ट्रैक पर भर गया है। बारिश के कारण ट्रैक के पास बिजली का पोल भी गिर गया है, जिसकी वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल रोक दी गई हैं। ये महमूदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। और ऐसे में अभी इस रूट पर अगर आप जाने का सोच रहे हैं या आपकी ट्रेन है, आपको निकलना है, तो फिलहाल आपको इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये पूरी तरह से टूट चुका है और इसकी मरम्मत का काम तभी किया जा सकेगा जब बारिश कम होगी या पानी का लेवल कम होगा, तभी यहाँ पर स्थिति को ठीक किया जा सकता है। ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के महमूदाबाद की, कि कैसे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रैक कैसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है, जब तक पानी पूरी तरह से निकल नहीं जाता है तब तक इस ट्रैक को की मरम्मत नहीं की जा सकती है। और ऐसे में कई रूट ऐसे हैं जहां ट्रेनें या तो डाइवर्ट की गई हैं या फिर फिलहाल उनको रोक दिया गया है, क्योंकि लोगों की जान को भी खतरा इससे हो सकता है। तो ऐसे में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। और चलिए बढ़ते अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, सवाल ये कि क्या किसी के लिए पैसों की अहमियत किसी की जान से ज्यादा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्नाव में इस तरह का मामला सामने आया। एक जो अधिकारी था वो पानी में डूब गया था, गोताखोर को उसको निकालने के लिए कहा गया, लेकिन गोताखोर ने पैसों की डिमांड कर डाली, जिससे अधिकारी अभी तक लापता है। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकार की कोशिशों पर पानी फेर देता है। दरअसल उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए थे, गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गए। घटना के बाद दोस्तों ने बचाने के लिए गोताखोर को बुलाया, लेकिन गोताखोर बचाने की बजाय 10,000 रुपए मांगने लगा। दोस्त हाथ जोड़ता रहा, लेकिन गोताखोर पहले पैसा देने की जिद पर अड़ा रहा। दोस्तों के पास कैश नहीं था, लिहाजा 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी, यानी डिप्टी डायरेक्टर गंगा में बह गए थे। पैसे ट्रांसफर होने के बाद गोताखोर ने नदी में छलांग तो लगाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें, गंगा में डूबे अधिकारी वाराणसी में हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। अब अधिकारी की तलाश में एनडीआरएफ की टीम भी जुटी है, लेकिन अभी तक अधिकारी का कुछ पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और टर्की के इस्तांबुल से तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारी बारिश के चलते स्थिति खराब हो रही है। यहाँ